टाइम फॉर योर बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कोई भी रिश्ता है, नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं, कोई भी रिश्ता है, चाहे एक यारी दोस्ती का रिश्ता है, चाहे एक माँ बाप के साथ रिश्ता है, या हमारे रिलेटिव्स के साथ कोई भी रिश्ता है, ठीक है, कोई भी रिश्ता जब हमने निभाना होता है तो हम उसको टाइम देते हैं, देते हैं यस ना, क्योंकि टाइम ही हर जगह पे टाइम 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 ही घूमता है, ठीक है। टाइम देंगे तो तभी काम होगा, अगर टाइम नहीं देंगे तो काम खुद नहीं होगा। जादू की छड़ी नहीं है कि हम ऐसे से कर देंगे, नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा तभी काम होगा। वैसे ही हमारा बिजनेस है, बिजनेस में टाइम लगाएंगे, बिजनेस को टाइम देंगे तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे वेरी लोग ट्रू होते हैं बिजी रहते हैं सारा दिन, किसमें बिजी रहते हैं, एक नॉर्मल बंदे को जाके पूछ लो कि भाई ऐसे ऐसे प्लान है, कल कल तू सुनने आ जाना, तो बोलेगा नहीं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ। लॉकडाउन में भी कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे टिकटॉक चलाना है, मुझे व्हाट्सएप चलाना है, मुझे टिकटॉक की वीडियो बनानी है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, सोना है, टीवी देखना है, यही काम होते हैं, और तो कोई काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम किसी को बात टाइम देंगे तब ही हम कुछ कर पाते हैं। अब नॉर्मल जो बंदे होते हैं जो जॉब करते हैं, हम उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो जॉब करते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक जॉब करते हैं, किसके लिए करते हैं, पैसों के लिए तो करते हैं। कितनी सैलरी मिलती है उसको, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000, 20,000, बस आज के टाइम में इतनी ही मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। भाई तुम इतने बिजी हो, 5, 10, 15 हज़ार कमाने में इतने बिजी हो कि तुम डेली 50,000 मिलने की अपॉर्चुनिटी है जो उसको देख ही नहीं पा रहे हो, पंद्रह उसमें दिख ही नहीं रही है वो हजार कि कैसे महीने के लिए करना टाइम है। है, 50,000 पर डे के लिए टाइम पचास नहीं है। हजार जी बिल्कुल, 15,000 के लिए आप पूरा दिन काम कर सकते हो। आपको एक दिन के 50,000 कोई बंदा बोल रहा है कि तुझे एक दिन के 50,000 आएंगे, तो वो आप सुनने को ही तैयार नहीं हो कि नहीं, तू तो जा, तू तो ऐसे बोल रहा है, मुझे अपना काम करने दे। तो ठीक है भाई, ऐसे लोगों को तो हाथ ही जोड़ो कि तुम अपना काम ही करो, हम अपने काम पे ठीक है। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अभी सपोज करते हैं कि एक आदमी जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, ठीक है, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो वो क्या करेगा। के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो काटा निकाल लेगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल वो ऐसे ही रखेगा डर के मारे कि मैं निकालूंगा तो ज्यादा दर्द होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो कांटा अंदर रहेगा तो वो ज्यादा दर्द करेगा, तो उसको निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। और यस जब उसको निकालना है तो उसको सुई तो लगानी ही पड़ेगी, सुई लगेगी तभी कांटा निकलेगा, वरना दर्द ही सहना पड़ेगा उसको। और अगर नहीं निकालता है तो और भी दर्द सहना पड़ेगा, स्वेलिंग आ बिल्कुल जाएगी, चला नहीं जाएगा, और भी दर्द होगा उसको, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे ड्रीम्स हैं, हम उसको कवर करने के लिए, हमें उसको कवर करने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जितना हम उसको टाइम देंगे उतनी ही जल्दी हम उसको अचीव कर लेंगे। यस अभी मैम एक बात बोलती हूँ, ठीक है। एक आदमी है, उसके ना बैंक में हर रोज कोई बंदा हर रोज 86,400 रुपए ऐड कर देता है मॉर्निंग में, हर रोज, ठीक है। अब चलो एक मेरी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं खुद ही हूँ, मेरे अकाउंट में कैपिंग कोई सुबह ना 86,400 रुपए ऐड कर से देता है ज्यादा, कैपिंग से ज्यादा ये जी तो बिल्कुल सर, तो उसमें ऐड कर देता है वो, ठीक है। और मैं देखती हूँ, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ यार, मम्मी मम्मी को बताती हूँ, मम्मी मेरे ना अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, तो बड़ी खुश होती हूँ मैं। और शाम, जब शाम होती है, शाम होती है, शाम होती है, तो क्या होता है, वो पैसे जो होते हैं गायब हो जाते हैं। मैं चेक करती हूँ अकाउंट में, मेरे पैसे ही नहीं है। तो वो आदमी क्या करता है, सुबह डेली मेरे साथ ऐसे खेल खेलने लग जाता है, सुबह डाल देता है पैसे मेरे अकाउंट में और शाम को निकाल लेता है, सुबह डाल देता है शाम को निकाल लेता है, यही करता है वो। मैं देखती हूँ कि ये इसका तो रोज का ही काम है, ये रोज सुबह डाल देता है और शाम को निकाल लेता है, तो मैं यही ट्राई करूंगी ना कि मैं सुबह से लेके शाम के बीच बीच में उस पैसे के निकाल लूं, यूटिलाइज कर लूं कि बिल्कुल वो मेरे हो जाए। हम सब यस यही सोचेंगे, ठीक है, कि हम उसको निकाल लें। तो ऐसे ही क्या करता है, गॉड है जो, भगवान है जो, वो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, खेल ही खेलते हैं एक टाइप का। वो क्या करते हैं, हर रोज सुबह हमारी जिंदगी में 86,400 सेकेंड्स को ऐड कर देते हैं। वेरी गुड यही एग्जांपल। तुम्हारे पे है, वो डिपेंड करता है कि चाहे तुम उसको यूटिलाइज कर लो, चाहे तुम उसको वेस्ट कर लो, तुम्हारे पे है वो। अगर तुम यूटिलाइज कर लोगे तो कुछ अच्छी चीज अचीव कर लोगे, वरना वेस्ट तो तुम कर ही लेते हो, डेली करते हो, राइट राइट ठीक है। मैम
तो सोच के देखो, एक दिन में हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसको रोज वेस्ट कर देते हैं. Yes. समय की जो क्लॉक होती है आपने देखी होगी सबने, समय जो होता है वो भागता रहता है. क्लॉक की जो सुइयां होती है ना वो टिक 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 चलती ही रहती हैं, रुकती नहीं है. रुकती तब है जब उसका सेल डाउन हो जाता है, जब खत्म हो जाता है तब रुकती है ना. तो आदमी भी क्या करता है, सारा दिन ऐसे ही काम करता रहता है, बट उसको ढंग से यूटिलाइज ही नहीं करता है. एक बंदा कहता है कि मैंने सारा दिन काम किया, अगर तूने अच्छे से काम किया होता तो फिर तुझे अच्छा रिजल्ट मिलता ना. ये भी नहीं है कि अकेला काम करते रहो, उसको ध्यान से देख के परख के फोकस से काम करो, ऐसे भी नहीं करना है. ठीक है, जो सुइयां का ये सिस्टम होता है, जो समय का जो चक्कर होता है, ये सारा चक्कर भगवान के हाथ में होता है, हमारे साथ नहीं होता है. एक बार अगर टाइम निकल गया तो मींस निकल गया, हम उसको दोबारा नहीं लेके आ सकते हैं. ठीक है, जो आदमी समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है. ठीक है, अब छोटे से एग्जांपल लेते हैं. एक साल की वैल्यू, पूरे एक साल की वैल्यू, 365 डेज की वैल्यू एक वो स्टूडेंट बता सकता है जो कि एक क्लास में फेल हो गया हो या फिर उसने ड्रॉप कर लिया हो. सिर्फ वही बता सकता है कि मैंने एक साल तक ये मेहनत की और मुझे ये फल नहीं मिला. यस मैम. और अब बात करते हैं उससे कम, एक मंथ की. एक महीने की वैल्यू सिर्फ वही लोग बता सकते हैं, वही पेरेंट्स बता सकते हैं जिनका प्री मेच्योर बेबी हो गया हो, मतलब जिनका बेबी 9 महीने से पहले पैदा हो गया हो. Right. एक महीने की वैल्यू वो बता सकते हैं. अब उससे कम चलते हैं, एक वीक, एक हफ्ते की वैल्यू उस अखबार वाले के संबोधक से पूछ के देखो जो हफ्ते में एक बार ही अखबार भेजता है और जिसका अखबार नहीं आया हो. आदत पड़ जाती है ना हमें, तो उससे पूछ के देखो, वो एकदम से बोल देगा कि यार इस हफ्ते ना मेरा अखबार नहीं आया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो अब उससे नीचे चलते हैं, एक दिन की वैल्यू लगाते हैं. एक दिन की वैल्यू सिर्फ वो मजदूर बता सकता है जो पूरा दिन मेहनत करता है. उसको पता है कि मेरी फैमिली है, मुझे उसको खाना खिलाना है, घर में शाम को राशन लेके जाना है, तो वो पूरा दिन काम करता है. अभी भी मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ. मेरे सामने ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर बन रहा है. महक मैम को भी पता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, अभी मैं ज्यादातर अपना माइक जो है म्यूट ही रखती हूँ. अभी भी वो जो मजदूर हैं अभी भी इतनी धूप में काम कर रहे हैं. आप लोग सोचो, हम लोग अंदर रूम में बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम फैन के नीचे बैठे हैं, बट वो अभी भी धूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शाम को घर में राशन लेके जाना है, कहीं से नहीं मिलेगा. और पूरे दिन की वैल्यू सिर्फ उनको ही पता है, हम जैसे नहीं सोचते हैं ये चीजें. चलो और कम लेके चलते हैं, एक घंटे की वैल्यू देखते हैं. एक घंटे की वैल्यू सिर्फ वो स्टूडेंट, वो बच्चा ही बता सकता है जो अपने माँ बाप से दूर बैठा हो. जो बच्चे फौरन चले जाते हैं ना, आज वहां फंसे हुए हैं, ऐसे लगा लो कि वो बैठे हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई स्टडी नहीं चल रही है, ऐसे ही बैठे हैं वो लोग, तो उनसे पूछ के देखो. उनको ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर लें, उनसे मिल ले, एक घंटा मिले. जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको ये होता है कि हमारे पेरेंट्स आ जाएं, हमसे एक घंटा मिल ले, बहुत है. बिहार ही इतना होता है कि एक घंटा ही काफी होता है. उनसे पूछ के देखो एक घंटे की क्या वैल्यू होती है. और अब उससे भी कम लेके चलते हैं, एक मिनट की वैल्यू. एक मिनट की वैल्यू वो इंसान बता सकता है जिसका सिर्फ एक मिनट के लिए ट्रेन छूट गई हो या फिर कोई एरोप्लेन छूट गया हो, वो ही बता सकता है. और उससे भी कम एक सेकंड लेके चलते हैं. एक सेकंड सिर्फ वो इंसान बता सकता है जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा हो. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बस इतना सा फासला था, बस एक सेकंड का फासला रह गया था, ऐसे हो जाता ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता. सिर्फ एक सेकंड का फासला था बस. तो वो एक सेकंड की वैल्यू वो उस इंसान को ही पता. MYL Networks चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी दबा दें और जुड़े रहें MYL नेटवर्किंग से.